मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से जश्न ईद मिलाउद्दीन के मौके पर सरहदी बाड़मेर में एक दिवसीय रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय के ब्लड बैंक में साथी रक्तदाता ग्रुप की ओर से आयोजित हुए इस शिविर में मुस्लिम समाज के 200 से अधिक युवाओं ने रक्तदान कर अमन शांति का पैगाम दिया। इस दौरान सर इमाम हाजी लाल मोहम्मद सिद्दीकी, विधायक मेवाराम जैन सहित समाज के कई लोग मौजूद रहे। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर मुस्लिम समाज की ओर से जश्न ईद मिलानुरबी के मौके पर सरहदी बाड़मेर में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक के साथी रक्तदाता ग्रुप की ओर से आयोजित किए गए शिविर में मुस्लिम समाज के 200 से अधिक युवाओं ने रक्तदान कर अमन शांति का पैगाम दिया। इस दौरान सहर इमाम हाजी लाल मोहम्मद सिद्दीकी ने बताया कि रक्तदान मानव सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे कई लोगों की जान बचाई जाती है। हजारों वर्षों पहले हजूर अले इस्लाम ने भी मानव सेवा को सर्वोपरि माना था। उसी परंपरा का निर्वहन आज भी इस्लाम के अनुयायी द्वारा किया जा रहा है। इस रक्तदान शिविर के शुभारंभ के दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि मुस्लिम समाज की ओर से बेहतरीन कार्य कराया जा रहा है, इससे आपात स्थिति में मरीजों को राहत मिलेगी। रक्तदान शिविर में युवाओं का जोश देखने लायक था। बाड़मेर शहर ही नहीं सुदूर ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचकर रक्तदान शिविर में शिरकत की। वहीं रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस दौरान राजकीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बी एल मंसूरिया, हाशिम खान इल्मदीन, जादम सरगीला, बरकत खान, दोस्त अली अबरार मोहम्मद सहित कई युवा मौजूद रहे।